क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया है जो देश की सियासत को गर्मा सकता है। अच्छे दिनों के नारे पर नितिन गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि अच्छे दिनों का जिक्र मनमोहन सिंह ने किया था, जो हमारे गले की हड्डी बन गया है। अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन सिर्फ मानने से होते हैं। नितिन गडकरी ने इस दौरान अच्छे दिन पर बयान देते हुए पीएम मोदी का जिक्र भी किया। गडकरी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने ही उन्हें ये कहानी बताई थी। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो NRI की एक, ये मुझे मोदी जी ने बताई हुई कहानी है, ये पर हमारे पर ऐसी चिपक गई कि जो चिल्लाता वो पूछता है हमको अच्छे दिन कब आएंगे। ये हमारे गले में लटकी हुई हड्डी है, अच्छे दिन कभी नहीं आते। क्योंकि अब ये भी मीडिया मेरे वाक्य का गलत अर्थ मत लगाए, हमारा देश ही जो है अतृप्त आत्माओं का महासागर है।